बॉलर के पास तभी जाता है जब आपको लगता है कि शायद मेरे को ए या तो अपने टॉप बॉलर के 10 ओवर कंप्लीट करने में मदद चाहिए, सहायता चाहिए, या मैं कुछ नया ट्राई करके देखता हूँ। और अगर आप सुरेश रैना है, गेंदबाजी कर सकते हैं, खुद विराट कोहली गेंदबाजी कर सकते हैं, तो क्यों नहीं, इसीलिए वो विकल्प ट्राई किए थे और इसमें कोई खराब बात नहीं है। और अब देखिए कोहली गेंदबाज हाँ जो ट्रू, आपने खिलाए हैं, आप वही अपने रन्स के लिए मेन जा रहे हैं तो आप बिल्कुल क्या मेन कहें। ये भी फर्क पड़ता है कि किसको किस तरीके से रन पड़े। अगर वो बिल्कुल 5 रन या 6 रन पड़े हैं, 10 रन पड़े हैं 2 ओवरों के अंदर, तो आप ये देखते हैं कि वो रन्स पड़े कैसे हैं। क्या छोटी गेंद पे चौका पड़ गया जहां आपने फील्ड खराब नहीं बॉल ले ली, ली, हाँ, या या फिर आपको एक एज लगा इनसाइड एज और बहुत क्लोज तरीके से निकला, तो कप्तान ये सोचता है कि चलिए अगला ओवर में एक और डाल लेता हूं या किसी और को फिर से पोसेस्ट करता हूं, या फिर अगर पावर प्ले ले लिया तो मैं अपने मेन गेंदबाज पे वापस आता हूं। तो किस तरीके से वो रन पड़े उसका भी जरूर एक डिफरेंस रहता है। बिल्कुल, लेकिन एक बात तो तय है, आज 25 मिनट ओवर रेगुलेशन टाइम गई है भारतीय टीम अपने पूरे 50 ओवर डालने के लिए। पहले मैच में कप्तानी कर रहे हैं विराट कोहली भारतीय टीम की, जहां तक एक दिवसीय क्रिकेट। या जिस तरीके से बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करी, आई थिंक हम विकेट की तरफ तब देखते हैं जब अगर शुरुआत में 2-3 विकेट गिरती हैं और कहीं ना कहीं जो बल्लेबाज टीम होती है वो स्ट्रगल कर रही होती है। यहां पर तो किसी ने स्ट्रगल नहीं किया, ना गेंदबाजों ने ना बल्लेबाजों ने। सो हम सोचते हैं विकेट बहुत अच्छा है, तो अगर पहली टीम ने 340 रन, 350 रन के आसपास रन बनाए हैं तो शायद दूसरी टीम भी बना सकती है। पर ऐसा नहीं होता कि जस्ट बिकॉज उन्होंने 350 बनाया तो दूसरी टीम भी बना ले या ना बना ले। आई थिंक बल्लेबाजी जिस तरीके से करी है श्रीलंका ने, वो क्रेडिट उनको देना चाहिए और दोनों जयवर्धने और तरंगा के पास ये श्रेय जाना चाहिए कि आज उन्होंने ना सिर्फ अपने आप को आउट ऑफ फॉर्म लेकर आए बट श्रीलंका को इतनी स्ट्रांग कमांडिंग पोजिशन में डाल दिया है। अगर वो यहां से हारते हैं तो क्रेडिट देना होगा भारत की बल्लेबाजी को, लेकिन अगर यहां जीतते हैं तो ये क्रेडिट श्रीलंका को जाता है कि वो बैक्स टू द वॉल लगातार 2 या 3 मैच हारे हैं पिछले 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, और फिर वापस आके एक शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। Well, it was a fantastic opening stand. Take nothing away. 213 runs on the board for your opening wicket partnership. You can't ask for a better foundation in double quick time, that too as well. That put the opposition completely under pressure. चूज नहीं किया ये चेंज करने के लिए। सो मुझे लगता है कि रोहित और शिखर को ही ओपन करना चाहिए। और मुरली विजय देखिए बतौर बल्लेबाज खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे फॉर्म में भी नहीं है, तो कहीं ना कई दफा क्या होता है कि आप किसी बल्लेबाज को जब आपको फॉर्म देना होता है तो आप नंबर चेंज करते हैं। हो सकता है मिडल ऑर्डर में मध्य क्रम में खेलें, अच्छे अगर रन बनाते हैं तो कॉन्फिडेंस मिलेगा, बिकॉज उनकी भी सही जगह टॉप ऑफ द ऑर्डर है और भारत भी चाहेगी जितना जल्दी उसी ऑर्डर पे जाएं वो ज्यादा अच्छा है। कई लोग ये भी कहेंगे कि अगर मुरली विजय को खिलाना था और आपके पास कोई और बैटिंग विकल्प नहीं था, धोनी इंजर्ड हुए मिडल ऑर्डर बैठे, क्या आप उन्हें नंबर 3 पर खिलाएं अगर आप ओपनिंग पेयर नहीं डिस्ट्रीब्यूट एक्सचेंज करना चाहते अब हैं? लोगों की बात नहीं है, क्योंकि आप चाहे उन्हें ओपन करा ले, चाहे में देख ली कि क्या थी, आप ये चाहते थे कि रोहित, उससे पहले जब आपने उन्हें ओपनिंग का मौका दिया था तो टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स का ये मानना था कि उन्हें उतनी लॉन्गर रन नहीं दी थी जितनी किसी और को दी थी, तो शायद आप उन्हें वो लॉन्गर रन देना चाहते थे। अब आप उसमें बदलाव क्यों करेंगे जब रोहित ने रन बना दिए हैं? करेक्ट, हम सिर्फ आइडियल बात करें कि एक ओपनर है, उसे ओपनर पे बल्लेबाजी करनी चाहिए। आप कराएंगे वो बहुत मुश्किल लग रहा है आप कराएंगे, क्योंकि आप उस चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे जो पिछले कुछ समय से आपके साथ काम कर रही है। तो इसमें ये नहीं है कि कौन क्या कहेगा, आपकी सोच है, आपको उसके साथ चलना चाहिए। क्रिकेटिंग सोच ये कहती है कि ओपनर ओपन को ओपन करना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि जिस नंबर पे वो बैटिंग करने आएंगे वहां पे आप एक तरीके से उनको मौका दे भी रहे हैं और पूरा चांस नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। तो सवाल यह कि क्या आप क्रिकेटिंग लॉजिक अप्लाई करते हैं या फिर रन ऑफ द मिल जो आपका चल रहा है उसी को चलाते हैं? लेते हैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे फोर्थ अंपायर। मालिक